बदायूं की पिसौली पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। पुलिस पर आरोपियों से आर्थिक समझौता की वजह से गिरफ्तार न करने का लगा आरोप। गोपाल पुत्र पातिराम निवासी नसरौल थाना इस्लाम नगर में अपनी बहन की शादी थाना बिसौली क्षेत्र के ग्राम मौजमपुर में लगभग 5 वर्ष पूर्व नरेश पुत्र खमानी के साथ की थी। आरोप है कि नरेश मेरी बहन को दहेज के खातिर मारता पीटता था, उसका एक हाथ भी तोड़ दिया था। मारपीट की घटना फिर से दोहराते वक्त मेरी बहन को रात्रि में जलाकर मार दिया गया, बगैर किसी सूचना का उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे मृतक वीरवती के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। मृतक वीरवती के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NCR दर्ज तो कर ली, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों के आर्थिक समझौता कर लिया है, इसलिए पुलिस गिरफ्तार करने से कतरा रही है। इस संबंध में पीड़ित ने SSP को ऑनलाइन शिकायत भेजकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बदायूं से हरशंकर श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट। और मैंने अपनी बहन की शादी पाँच वर्ष पहले ग्राम मौजमपुर में नरेश पुत्र खमानी के साथ की थी और वो 5 सालों से लेकर के मेरी बहन को दहेज के कारण से पीड़ित करते रहते थे और आखिरकार उन्होंने मेरी बहन को मार डाला। लेकिन हम वहाँ सूचना पा करके मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर सभी लोग घर से फरार थे और वहाँ पर मेरी बहन भी नहीं थी और उसे जला दिया गया। तभी हम कोतवाली बिसौली पहुँचे, वहाँ पर हमारा मामला दर्ज हो गया और मुकदमा भी लिख लिया गया। मुकदमा लिखने के बाद लगभग 1 महीना बीत चुका है और आरोपियों किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने सांठगांठ कर ली है और अभी तक तो कोई भी आगे की गिरफ्तारी की बात नहीं की है।